जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर का आज तीसरा दिन आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने रिहायशी इलाके में दो आतंकियों को मार गिराया, घेर रखा है। माफ कीजिएगा, शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 28 फरवरी को रात 9 बजे से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी है। शनिवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी में पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की और मोर्टार दागे। हालांकि इस फायरिंग में स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के दो जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उनके सैनिकों की मौत नियंत्रण रेखा के नकियाल सेक्टर में हुई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान की हरकत का कड़ा जवाब दे रही है। आम नागरिकों को फायरिंग से बचाने के लिए पुंछ और राजौरी में अतिरिक्त बंकर बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुंछ और राजौरी जिले के लिए शनिवार को 400 अतिरिक्त बंकर बनाने की मंजूरी दे दी है। पिछले 5 दिनों में इन दोनों जिलों में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। प्रशासन ने इन बंकरों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रशासन के मुताबिक ये बंकर अगले एक महीने में बनकर तैयार कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में होंगे, जहां प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी अमेठी में एक साथ कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फैक्ट्री का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी अमेठी बाईपास रोड और अमेठी में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। अमेठी में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सांसद राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से अभी कार्यक्रम में आने की पुष्टि नहीं की गई। पीएम मोदी पटना के गांधी मैदान में होने जा रही NDA की संकल्प रैली में शामिल होंगे। बिहार में NDA के तीनों घटक दल JDU, BJP और LJP ने रैली को लेकर खास तैयारी की है। पटना में बैनर पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री 12:15 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से पीएम मोदी सीधे गांधी मैदान जाएंगे। रैली को पीएम मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान की कैद में 60 घंटे बिताकर लौटे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन से शनिवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिल्ली के वायुसेना अस्पताल में मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने वायुसेना के जांबाज पायलट अभिनंदन का हालचाल जाना और उनके प्रति देश की भावनाओं से अभिनंदन को अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक अभिनंदन ने कहा कि पाकिस्तान में उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के शौर्य को सराहा। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर इंडियन एयरफोर्स के हमले से हुई तबाही ने जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़कर रख दी है। खुद जैश सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई मौलाना अम्मार इस हमले में हुए नुकसान को कबूल कर रहा है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौलाना अम्मार भारतीय वायुसेना के हमले से हुई तबाही का रोना रो रहा है। मसूद अजहर का भाई अम्मार जैश की जिहादी गतिविधियों का हिस्सा है। बालाकोट में चल रही जिहाद की फैक्ट्री की देखरेख में भी अम्मार का अहम रोल था। अम्मार जैश के तमाम आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कश्मीर के नाम पर युवाओं में भारत के प्रति नफरत भरने का काम भी करता है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पिछले हफ्ते मुठभेड़ में मारे गए 3 में से एक आतंकी की साजिश 14 फरवरी को पुलवामा में हुए फिदायीन हमले जैसी थी। आतंकी के कथित वीडियो से इसका खुलासा हुआ है, जिसमें आतंकी ऐसी ही साजिश के बारे में बात कर रहा है। फरवरी की 24 तारीख को कुलगांव में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिनकी पहचान राकिब अहमद, वलीद और पाकिस्तानी नागरिक नोमान के तौर पर हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अहमद सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला करने के अपने मंसूबों के बारे में बात कर रहा है। वीडियो को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि अहमद ने 14 फरवरी को पुलवामा में किए गए आत्मघाती हमले जैसा ही कुछ प्लान बनाया था। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इस तरह का हमला नाकाम कर दिया गया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए और कहा खुफिया चूक पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम को नजरअंदाज करना या भूल जाना खतरनाक होगा। इसके अलावा उन्होंने बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर भी सवाल उठाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली पार्टियों पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के उमरिया में अमित शाह ने कहा कि हम पर आतंकवाद का फायदा उठाने का आरोप लगाने वाले बताएं कि क्या कभी उन्होंने आतंकवाद को जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर वो जब सत्ता में थी तब आतंकवादियों को जवाब देने का हौसला क्यों नहीं दिखाया। पुलवामा हमले के बाद वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक किया था। देश सेना के शौर्य पर गर्व कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को उसके सबूत चाहिए। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने देश के सभी हवाई अड्डों को अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में हवाई अड्डों और एयरलाइंस कंपनियों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। BCAS ने सभी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सभी एयरलाइंस कंपनियों, हवाई अड्डों के सुरक्षा प्रभारियों और CISF को भेजे अलर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अलर्ट में कहा गया है कि हवाई अड्डों, वायुसेना स्टेशनों, हेलीपैड्स, पायलट ट्रेनिंग से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि कोई आतंकी घटना न हो। टर्मिनल इमारत के सामने कोई गाड़ी न खड़ी की जाए और पार्किंग में गाड़ियों की पूरी जांच की जाए। बिहार के मुंगेर में एक परिवार ने विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर अपने नवजात बच्चे का नाम रखा। परिवार का कहना है कि इसका नाम अभिनंदन रखने से अभिनंदन का शौर्य और पराक्रम हमेशा याद रहेगा। बच्चे के परिवार का कहना है कि उनका बेटा विंग कमांडर अभिनंदन जैसा बहादुर बने। बच्चे के माता पिता का कहना है कि वो अपने बेटे को देश की सेवा के लिए सेना में भेजेंगे। जमाते इस्लामी संगठन पर बैन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जमाते इस्लामी के 60 खाते सील कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्त की है। जमाते इस्लामी के अब तक 350 कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जमाते इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई पर PDP ने एतराज जताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को फिर से सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, हालांकि अभी एक सीट पर ऐलान बाकी है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में आरोपी विधायक जयन गणेश आनंद सिंह को पकड़े हुए हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने आनंद सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जयन गणेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। विधायक गणेश 1 महीने से फरार थे, लेकिन उन्हें गुजरात के सोमनाथ से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। बनिहाल सहित कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी रहने की आशंका जताई है। बारिश और बर्फबारी के बाद एक बार फिर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से रामपुर निरमंड हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में सुबह से ही कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसे लोगों को दफ्तर आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश से इलाके में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में मौसम में खास परिवर्तन नहीं आने का अनुमान जताया है। टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले को ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वो 3 साल तक के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। कुंबले इससे पहले भी ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 में कुंबले को ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया था और साल 2013 में उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ जब 5 अलग अलग जगहों पर इतनी संख्या में कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर झाड़ू लगाई। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने कुंभ के लाल सड़क परेड मैदान, संकट मोचन मार्ग में सफाई अभियान चलाया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की ऑस्कर विजेता सुमन और स्नेहा स्वदेश लौट आई हैं। इस फिल्म के डॉक्यूमेंट्री वर्ग में ऑस्कर अवार्ड जीता है।
अवार्ड जीतने वाली स्नेहा ने कहा है कि जो मैंने किया वो दुनिया की कोई भी महिला कर सकती है। फिल्म में हापुड़ के काठीखेड़ा गांव की महिलाओं के हौसले को बताया गया है। सुमन और स्नेहा की जिंदगी पर बनी शॉर्ट फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर मिलने के बाद हापुड़ में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं।